बरेली के फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र के नगरिया रोड स्थित अवैध रूप से संचालित डीके हॉस्पिटल में युवती का डॉक्टरों ने ऑपरेशन के दौरान गर्भाशय निकाल दिया था, जिसमें पीड़ित युवती की नाजुक हालत होने से दूसरे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं अस्पताल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें इस घटना की जानकारी होते ही सीएमओ ने हॉस्पिटल प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई कर हॉस्पिटल को सीज करने के निर्देश दिए हैं। फतेहगंज पूर्वी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डीके हॉस्पिटल के प्रबंधक पर कार्रवाई की है, साथ ही उपकरण और महिला समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 26 जून 2024 को वादी वीरेंद्र निवासी हरेला थाना फतेहगंज पूर्वी द्वारा थाना फतेहगंज पूर्वी पर सूचना दी गई कि उसकी 19 वर्षीय पुत्री को एक गांव के ही युवक द्वारा नशीला पदार्थ पिला के उसके साथ बलात्कार की घटना की गई है। उस सूचना के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना फतेहगंज पूर्वी पे अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त विवेचना के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि पीड़िता का थाना फरीदपुर में संचालित अवैध रूप से संचालित डीके अस्पताल में गर्भपात कराया गया था। आज दिनांक 28 जून 2024 को कुल 6 अभियुक्त, जिसमें एक महिला शामिल है, को थाना फतेहगंज पूर्वी द्वारा गिरफ्तार कर मान्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। उप विवेचना में सुसंगत धाराओं का समावेश कर अग्रिम दंडनीय कार्रवाई की।